सावन का महीना चल रहा है, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भक्त सोमवार को व्रत करते हैं जिसमें साबूदाना भी शामिल है। साबूदाने की खीर ज़्यादातर लोग बनाकर खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये फटाफट तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं साबूदाने की खीर, और मिनटों में तैयार हो जाती है। ये आधा लीटर मैंने इसमें दूध ले लिया है, इसको मैं अच्छे से बॉइल होने रख दूंगी गैस पे। एक कटोरी मैंने साबूदाना भिगो दिया था 2 घंटे पहले, ये देखिए अच्छे से फूल गया है। इसको मैं आपको अच्छे से दबा के भी दिखाती हूँ, देखिए तो ये अच्छे से फूल गया है, देखिए इधर सुंदर दिख रहा है ना। और तब तक इधर दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका है, देखिए थोड़ा पानी ऐड किया है मैंने इसमें क्योंकि ये तला ना लगे, दूध जले ना। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी पहले, देखिए। अब मैंने आधा कटोरी इसमें चीनी डाला है, देखिए थोड़ा बचा भी दिया है। आप जितना मीठा खाते हैं इसमें आप ऐड कर सकते हैं इसको। और एक कटोरी मैंने जो साबूदाना भिगोया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से चला दूंगी, पहले मिक्स कर लूंगी, और जो साइड में दूध लग गया है, मलाई लग गई है, वो उसको भी साइड से निकाल लूंगी। अभी मैंने गैस फुल रखा है, एक उबाल आने तक इसको फुल रखेंगे। देखिए एक उबाल इसमें आ गया है। अब गैस मैं इसको सिम पे कर दूंगी और इसको धीरे धीरे अच्छे से पकने दूंगी। देखिए कितना सुंदर साबूदाना दिख रहा है ना। तो देखिए गैस मैंने सिम पे कर दिया है और इसको अच्छे से पकने दूंगी। जितना देर इसको आप पकाएंगे उतना ही अच्छा बनेगा ये, और बीच बीच में इसको चलाते रहिए। इसमें मैंने थोड़ा बादाम चॉप करके डाला है और थोड़ा काजू। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना। आप इसको किसी भी फास्ट में बनाकर खा सकते हैं और ये इजीली बन जाता है। तो देखिए थोड़ा गार्निश करने के लिए मैंने ये बादाम बचा दिया है। अब मैं डालूंगी इलायची पाउडर और थोड़ा पिस्ता, ये मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा खुशबू आता है खीर वगैरह में। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो रहा है। और देखिए साइड साइड से जो मलाई लग रही है इसको भी मैं निकाल लेती हूँ बीच बीच में। तो देखिए साबूदाना की खीर बनकर रेडी हो गई है। अब मैं इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर लूँगी, सर्व कर लूँगी। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना साबूदाने की खीर, ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी बनाइए और बड़ों को भी दीजिए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।